हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू नितिका क्लासेस। इस वीडियो में मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बाकी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ शेयर करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर शुगर मिल्स कंसंट्रेटेड इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज? आंसर इज, शुगर केन मिल्स आर कंसंट्रेटेड इन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज बिकॉज शुगर केन इज बल्की एंड रिक्वायर्स हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। सेकेंड, इट इज ऑल्सो अ वेट लूजिंग प्रोडक्ट। इसको काटने के बाद ये जब एक्सपोज होता है सन से तो इसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाता है। तो अगर शुगर इंडस्ट्री और रॉ मटेरियल के बीच में अगर ज्यादा गैप होगा, ज्यादा टाइम लगेगा, तो इसका सुक्रोज कंटेंट कम हो जाएगा और उस शुगर केन की हमें उतना मनी नहीं मिलेगा, प्राइसिंग नहीं मिलेगी जो हमें मिलनी चाहिए। थर्ड पॉइंट, शुगर केन इज अ सीजनल क्रॉप और इसके कारण जो शुगर मिल्स होती हैं वो हर जगह पे नहीं लगती हैं, लिमिटेड एरियाज में ही होती हैं और वो उस एरिया के सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट को भी लुक आफ्टर करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुगर इंडस्ट्री इज आइडियली सूटेड टू कोऑपरेटिव सेक्टर्स? द आंसर इज, शुगर केन इंडस्ट्री जो है वो कोऑपरेटिव सेक्टर्स में ज्यादा सक्सेसफुल रहती है क्योंकि शुगर केन एक सीजनल क्रॉप है और शुगर केन ग्रोअर्स जो होते हैं वो मर्सी पे होते हैं शुगर फैक्ट्रीज के। शुगर केन जो कैसे कटेगा उसका जो शेड्यूल होता है वो भी फैक्ट्रीज वाले देते हैं। अगर थोड़ा सा डिले हो जाए कटने और शुगर बनने में तो उसका सुक्रोज कंटेंट कम होने के कारण उसके प्राइजेस पे इफेक्ट पड़ जाता है। जो उनकी पेमेंट्स हैं वो टाइम से नहीं होती हैं। शुगर केन की जो प्राइजेस हैं वो भी फैक्ट्रीज वाले ही डिसाइड करते हैं। इसी के साथ साथ ये एक बल्की प्रोडक्ट्स में आ जाता है, रॉ मटेरियल में आता है, तो इसके लिए लेबर इंटेंसिव फार्मिंग चाहिए होती है, लेबर बहुत रिक्वायर्ड होती है। तो जो लेबर है उसके हिसाब से उनके जो प्राइसिंग फिक्स करना, तो ये जो टू ओवरकम ये सारी प्रॉब्लम लेबर और कैपिटल के इश्यूज जो है उनको रिजॉल्व करने के लिए जो फार्मर्स हैं वो जॉइंटली अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर में अपनी काम करते हैं, सो दैट ये ओवरऑल पूरी एडवांटेजेस उठा सके पूरे साल भर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई शुगर इंडस्ट्रीज आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स सदर्न इंडिया? द आंसर इज, इन रीसेंट ईयर्स देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द सदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स, स्पेशली इन महाराष्ट्र, बिकॉज फर्स्ट द केन प्रोड्यूस हियर हैज अ हायर सुक्रोज कंटेंट, सेकेंड द कूलर क्लाइमेट इंश्योर्स longer crushing season of almost 9 months, and third, the cooperative sectors are more successful in these areas. Fourth, the southern states have installed new mills where productivity is high and cost of production is low. Next question, what are the major challenges of sugar industries? The answer is, the major challenges that sugar industries face are, one, the seasonal nature of the industry, second, old and inefficient method of production, third, transport delay in reaching can to factories, and fourth, the need to maximize the use of bagasse. Next question, iron and steel industry is called basic and heavy industry. Explain the statement. इसका आंसर है कि आयरन स्टील इंडस्ट्री जो है वो बेसिक इंडस्ट्री इसलिए है क्योंकि वो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बाकी इंडस्ट्रीज को। इंडस्ट्रीज जो हैं उनको मशीन्स चाहिए, टूल्स चाहिए, इक्विपमेंट्स चाहिए और ये सब चीज़ें आयरन और स्टील से बनी हुई होती हैं मैक्सिममली। दूसरा, ये प्रोवाइड करती हैं रॉ मटेरियल टू हैवी इंडस्ट्रीज लाइक ऑटोमोबाइल, शिप बिल्डिंग्स, और इसको हैवी इंडस्ट्री इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें जो रॉ मटेरियल यूज हो रहा होता है वो हैवी एंड बल्की है और इसकी हाई ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है और जो फिनिश गुड जो निकलता है वो भी हैवी एंड बल्की होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैव मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज? द आंसर इज, दिस इज बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री। दीज इंक्लूड्स लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाई ग्रेड ऑफ रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, चीप लेबर, वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन होम मार्केट एंड एफिशियंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज? द आंसर इज, दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आर फुल पोटेंशियल लार्जली ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस, द हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कुकिंग कोल, द लो प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, irregular supply of energy and poor infrastructure.
Next question, write a short note on electronic industry of India. The answer for this is the electronic industries cover a wide range of products from transistor set to televisions, telephones, radars, computers and many other equipments that are required by telecommunication industries. Bangalore has emerged as an electronic capital of India. Other important centers for electronic goods are Mumbai, Delhi, Hyderabad, Pune, etc. 18 software technological parks provide single window service and high data communication facilities to software experts. Next question, write a short note on automobile industries. So, iska answer hai, almost all type of vehicles are manufactured in India. After liberalization in 1991, many automobile manufacturers set up their base in India. With the launch of contemporary models, India became an attractive market for automobiles. At present, there are 15 manufacturers of passenger cars and multi-utility vehicles, 9 of commercial vehicles and 14 of the 2 and 3 wheelers. The industries are generally located in Delhi, Gurgaon, Mumbai, Pune, Chennai, Kolkata, Lucknow, etc. Next question, what are the factors responsible for the growth of automobile industry in India? So the answer is there are two factors. One is liberalization and second is foreign direct investments. The foreign direct investment had brought in new technology and aligned the industry with the global developments. इन सारे क्वेश्चंस के अलावा जो थोड़े और क्वेश्चंस इस लेसन से निकलते हैं वो हैं राइट अ शॉर्ट नोट ऑन आईटी इंडस्ट्री ऑफ इंडिया एंड उसके बाद है टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन जो इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के कारण हो रहे हैं तो वो आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है एयर पॉल्यूशन लैंड पॉल्यूशन वाटर पॉल्यूशन नॉइस पॉल्यूशन एंड थर्मल पॉल्यूशन थर्मल पॉल्यूशन एक नया टर्म है आप लोगों के लिए तो थर्मल पॉल्यूशन होता है कि जब हम काफ़ी हॉट वाटर को जो फैक्ट्रीज या थर्मल पावर प्लांट्स या न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकलता है उनको डायरेक्टली जब हम ड्रेन करते हैं रिवर्स या पॉन्ड्स के अंदर तो वो वहाँ का टेम्परेचर एकदम से चेंज कर देता है पानी का जिसके कारण वहाँ की एक्वेटिक लाइफ बिल्कुल खत्म हो जाती है तो ये थर्मल पॉल्यूशन है तो ये एक नया टर्म है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स टू कंट्रोल एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन द आंसर इज अ पार्टिकुलेट मैटर्स इन द एयर कैन बी रिड्यूस्ड बाय फिटिंग स्मोक स्टैक्स टू फैक्ट्रीज और यूजिंग सम स्पेशल फिल्टर्स स्मोक्स कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज वन कैन यूज साइलेंसर्स टू कट डाउन द नॉइस पॉल्यूशन द पॉल्यूशन चेक सर्टिफिकेट शुड बी मेड कंपलसरी Eco-friendly fuel like CNG should be used and treatments of industrial effluent should be done. Next question, describe the method of treatment of industrial effluents. The answer is, treatment of industrial effluents can be done in three phases. First, primary treatment by mechanical means. Second, secondary treatment by biological processes. Third, tertiary treatment by biological, chemical and physical processes. Next question, describe the ways by which NTPC has preserved the natural environment and other resources like water. Answer है, NTPC जो है वो major power providing corporation है इंडिया की. इसके पास ISO certification है environment management system का. इस corporation ने कुछ steps उठाए हैं natural environment और resources को preserve करने के लिए. वो steps हैं कि ये ऑप्टिमम यूज कर रहा है अपने इक्विपमेंट्स का और अडॉप्ट करता है लेटेस्ट टेक्निक्स एंड टाइम टू टाइम अपग्रेड करता है अपने इक्विपमेंट्स को ये मिनिमाइज कर रहा है अपने वेस्ट को बाय मैक्सिमाइजिंग यूज ऑफ एश प्रोड्यूस्ड हेयर ये ग्रीन बेल्ट प्रोवाइड कर रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन रखने के लिए ये रिड्यूस कर रहा है एनवायरमेंटल पॉल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के थ्रू एनटीपीसी ने एक ऑनलाइन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम बना रखा है अपने सारे पावर स्टेशंस के लिए जिसमें इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग हो रही है और रेगुलर टाइम से रिव्यूज लिए जा रहे हैं कि सारे जो पावर स्टेशंस हैं क्या वो इन सारे सिस्टम्स को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं So by this, we have completed the entire lesson of manufacturing industries. मैं आगे के वीडियो में ज्योग्राफी के और बाकी सोशल स्टडीज के और भी लेसन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर माई चैनल एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लीव द कमेंट्स थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट